हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। टेंथ क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन किस टाइप बनता है, हम आप लोग से वादा भी किए थे कि हम लोग पढ़ाई भी करते जाएंगे और रिवीजन भी करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है अक्सर 8, 9, 10, ठीक है, यहाँ तक 11, 12 में भी पूछ देता है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या, चेंज द पास्ट सेंटेंस। ये आपका जो है प्रेजेंट सेंटेंस सारा लिखा हुआ है और इसको बोलता है कि पास्ट में चेंज कर दीजिए। आपका बहुत सारा रूल होगा, अगर आप रिवीजन किए होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, हम पहले भी बताए हैं कि बार बार रिवीजन करने से हम लोगों को रूल याद करने की जरूरत नहीं होता है, दिमाग में चला जाता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, वी प्ले क्रिकेट, इसको पास्ट में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, एकदम इजी सा, क्योंकि इसका पास्ट में वर्ब टू का यूज होता है। यू सेव मनी, तो ये क्या हो जाएगा, यू सेव्ड मनी पास्ट। यहां पे देखिए, राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, एकदम इजी से हो जा रहा है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। डू है तो डू का डिड, डिड एज ए एंड शूर भी, डिड अजय एंड सुरभी डांस, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी। ही सो हैड ब्रोकन माय हार्ट, ठीक है, एकदम इजली ढंग से आप बना सकते, कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। कुछ वर्ड ये तो हो गया, अगर आप इसको राइट करना चाहते हैं सो यू राइट। ये पहचानेंगे कैसे कि ये, जैसे एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं आपका, सी इज प्लेइंग, एकदम छोटा सा सेंटेंस है, तो इसको क्या कर सकते हैं, सी इज प्लेइंग, सी इज नहीं होगा, वाज, सी वाज प्लेइंग, एकदम इजी ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड को हम लोग जान लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, कि प्रेजेंट में वो क्या होता है, पास्ट में, ताकि हेल्पिंग वर्ब में भी कोई कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे। ठीक, सो चलिए जान लेते हैं। चलिए, देखिए डू डज is, are, am, has, ये सारे आपका present है, past में do का did, इसका भी did, is का was, आर का वेयर, एम का वाज, हैव का हैड, हैज का हैड, एकदम इजी से लिख ली। अगर ये आपको याद रहता है तो आप किसी भी सेंटेंस को जो है नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं, सॉरी पास्ट में चेंज करने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। कुछ चीज हम लोग जो होते हैं ना रिवीजन के दौरान सीखते हैं,
उसको बार बार लिखते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस को पास्ट में बदलना कितना इजी होता है। बहुत से बच्चे गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।